हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। स्वागत करता हूं ट्रेडिंग थेरेपी के अंदर। आज का फिर से बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज हम लोग इंटर लेने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। बहुत सारा आज के बाद का जो सफर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड होगा और उसमें से नंबर वन और सबसे बेसिक सिस्टम है डेरिवेटिव मार्केट। दोस्तों, ऐसे आपने बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर फिन निफ्टी जैसे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ट्रेडिंग जरूर किए होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यह सारे बैंक निफ्टी और निफ्टी भी एक डेरिवेटिव का ही पार्ट है। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पूरे वीडियो में बने रहना। बहुत सारे ऐसे नॉलेज होगा जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट। एक्चुअल में डेरिवेटिव मार्केट है क्या? दोस्तों, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग अंडरलाइंग एसेट्स। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक चीज है, यानी कि पनीर की बात हम लोग करते हैं। अगर मिल्क का प्राइस बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर, तो पनीर का भी प्राइस हमारा बढ़ जाता है ना। अगर क्रूड मार्केट में बढ़ जाता है, क्रूड का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाता है तो पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ जाता है ना। यानी सिंपल ये समझने वाला बात यहाँ है कि मिल्क का अगर प्राइस बढ़ेगा तो पनीर का भी प्राइस बढ़ेगा, अगर यहाँ पर क्रूड का प्राइस बढ़ेगा तो आपका यहाँ पर पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ेगा। यानी कि अगर ऐसी सारी वस्तुएं जिसका प्राइस किसी और एसेट्स या वस्तुएं या सर्विसेज पर डिपेंड करता है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। इसको समझने के लिए सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट समझना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपको चेयर दिख रहा होगा और चेयर का जो प्राइस है ना वुड पर डिपेंड करता है। अगर वुड का प्राइस बढ़ेगा चेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। यहां पर आपको शुगर कैन और शुगर दिख रहा होगा। अगर शुगर कैन यानी कि फसल जो क्रॉपिंग करी जाती है, इसका अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका भी प्राइस आपका बढ़ जाएगा। यानी कि वैसी सारी वस्तुएं जिसका प्राइस किसी और वस्तुएं पर डिपेंड करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट्स बोलेंगे। यानी कि शुगर का जो अंडरलाइंग एसेट्स कौन है, शुगर कैन है, और यहां कुर्सी का भी अंडरलाइंग एसेट्स कौन है, वुड है। तो हमारे में से ये चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं इसका डेफिनेशन के ऊपर। देखो, अगर बोला जाता है डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी मार्केट प्लेस होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच शेयर्स, बॉन्ड, सिल्वर्स, एनर्जी, ऑयल, स्पीसीज, व्हीट, राइस के अलावे भी बहुत सारा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर बाय सेल किया जाता है। सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको, बहुत डिटेल में आपको क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच ड्राइव विथ अनदर एसेट्स लाइक अंडरलाइंग एसेट्स। यानी कि ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये किसी और वस्तुएं पर डिपेंड करता है और दो लोगों के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। समझिएगा मेरी बातों को। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए कि एक किसान है जो आलू उपजाता है, एक किसान है जो आलू उपजाता है और एक बिजनेसमैन है जो चिप्स बनाता है। तो किसान और बिजनेसमैन के बीच एक बोल सकते हैं एक बॉन्डेशन हो सकता है कि हो सकता है जो किसान बहुत सारा जो आलू उपजाता है ना, हो सकता है 3 महीने के बाद ये उपजाकर मार्केट में सेल करने वाला होगा, हो सकता है इसका प्राइस बढ़ सकती है ना, या फिर घट भी सकती है प्राइस। लेकिन यहां पर भी आपका ये जो बोल सकते हैं जो आपका बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास भी प्रॉब्लम हो सकती है इस बात का कि हो सकता है इसका जो आलू का जो प्राइस है ना, हो सकता है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर प्राइस बढ़ गई तो इसका मार्जिन में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसको लॉस भी हो सकती है। और सेम चीज इसको भी, अगर इसका प्राइस घट जाती है तो हो सकता है जितना इन्होंने उपजाने के लिए खर्च किया है, हो सकता है इसको उतना भी इनको नहीं मिल पाए। तो दोनों के पास कहीं ना कहीं रिस्क है। अगर ये 3 महीना के बाद अगर ये जो फसल है कटने वाली है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि जो बिजनेसमैन है और फार्मर है दोनों के बीच एक क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। कब का बने, अगर मान लो अक्टूबर में मैंने क्या किया, आलू को उपजाना शुरू करा, मान लो दिसंबर के अंदर या फिर मान लो जनवरी के अंदर मेरा क्रॉप कट जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, जनवरी का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ। कौन, बिजनेसमैन और किसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जनवरी का, फिक्स डेट और फिक्स क्वांटिटी। मान लो 1000 क्वांटिटी का, 1000 टन का, मान लो 1000 टन का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कितना रुपया पर, 10 रुपया पर। यानी कि बोल रहा है कि प्राइस चाहे कुछ भी रहे आने वाला जनवरी के अंदर, लेकिन हमें कितना पर बाई करना पड़ेगा, 10 रुपया पर। देखिए, समझिए सिंपल वे में, यानी कि दिस इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब दो बायर एंड सेलर के बीच एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसको हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। दिस इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर का फेयरनेस को खत्म करने के लिए मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इसी को हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हमारे में से आपको सारी चीजें आपको क्लियर यहां पर हो गई होगी। एक चीज ध्यान रखना,
फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट और फिक्स रेट, तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका बनता है एक बायर एंड सेलर के बीच, किसी भी चीज हो सकता है, हो सकता है स्टॉक के बीच हो जाए, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, तो स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, किसी भी चीज जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कितने तरीके का होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चार तरीके का होता है, अगर सिंपल वे में बोला जाए तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चार तरीके का होता है। पहला है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, पहला है आपका फॉरवर्ड, दूसरा है आपका फ्यूचर, और तीसरा है आपका ऑप्शन, और चौथा है आपका स्वैप। हमारे में से आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। सबसे पहला बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी जिसका मैं एग्जांपल आपको दिया ना, दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसका मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, दिस इज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट और फिक्स रेट में जब कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ जाएगा, जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनी थी, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया किसान और ये जो फार्मर के बीच, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनी थी इसके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम क्या आ सकती है समझिएगा, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंजेज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, सेबी होती है, जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारे लोग नहीं होते हैं, बीच का जो मिडिल मैन होते हैं ना, कोई भी यहां पर नहीं होते हैं, जिस कारण से एक बहुत बड़ा रिस्क होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। क्या रिस्क होता है आप यहां पर देख सकते हैं, काउंटर पार्टी रिस्क। देखिए समझिएगा मेरी बातों को, सपोज दैट इसका जो प्राइस है ना, 10 रुपया पर सेलिंग रखा गया है, हो सकता है जो जनवरी के अंदर, जो मैंने अभी बताया जनवरी के अंदर इसका प्राइस 15 रुपया हो सकता है, या हो सकता है 5 रुपया भी हो जाए। बाई दबे समझिए, 15 रुपया अगर हो जाएगा तो लॉस किसको होगा, फार्मर को होगा। तो हो सकता है फार्मर अपना हाथ खड़ा कर दे कि देखो सर कुछ भी हो जाए मैं आपका 10 रुपया पर सेल नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पर केजी पर 5 रुपये मेरे को लॉस हो रही है। लेकिन दूसरा समझिए, अगर 5 रुपया में यहां पर भी अगर हो जाता है, प्राइस बहुत कम हो जाती है, तो यहां पर केजी पर कंपनी को लॉस होने वाली है। इसलिए कभी भी जो कंपनी भी हो सकती है हाथ खड़ा कर दे कि भाई हमारा पर केजी पर 5 रुपया लॉस हो सकती है। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो ईमानदारी है ना, अच्छी नीति वाला सिस्टम चलती है, यानी कि यहां पर कोई एक्सचेंजेज नहीं होते हैं, तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है काउंटर पार्टी। दोनों में से कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है कि तुमको जो करना है कर लो, मैं क्या करूंगा, मैं किसी और से बाय कर लूंगा, किसी और वेंडर से मैं ये सारा प्रोडक्ट मैं बाय कर लूंगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये सबसे पहला प्रॉब्लम है काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरा चीज, एक डिपेंड करता है किसी भी दोनों पार्टी का ऑनेस्टी के ऊपर, है ना। आपने केस कर दिया, सू कर दिया, तो हो सकता है 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन आपकी कंपनी को तो लॉस हो जाएगी ना यहां पर, या किसान को तो लॉस हो जाएगी ना अभी के डेट में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे दिमाग में कि देखो जो मैंने 1000 टन या फिर 1,00,000 टन का मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैं राम कुमार को दे देता हूं, मैं श्याम कुमार हूं कि राम कुमार का दे देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं। तो देखो जब तक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है तो ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है, यानी कि इजिली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है मार्केट के अंदर, कि अगर मार्केट में अगर पोजिशन को आप सेल भी करना चाहते हैं, ट्रांसफर भी करना चाहते हैं, तब भी आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी मिडिलमैन नहीं होते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर कोई भी मिडिलमैन स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं होते हैं। तो हमारे में से आपको सारे चीज क्लियर हो गए होंगे। आज के वीडियो के अंदर आपने सीखा डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, किसी भी अंडरलिंग एसेट्स पर डिपेंड करता है कोई भी प्रोडक्ट, और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज का हो सकता है, स्टॉक का भी हो सकता है ना, कमोडिटी मार्केट का भी हो सकता है ना, या फिर फॉरेक्स मार्केट का हो सकता है, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बताया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर और सेलर के बीच बनता है, फिक्स क्वांटिटी, फिक्स डेट और फिक्स रेट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर में डिलीवरी देने का हम लोग वादा करते हैं, है ना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता है। दोस्तों हमारे में से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे हम सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।